देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे चैनल हथौड़ा पोस्ट पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय, मैं हूँ सुरभि तिवारी और आप सभी देखते रहिए हथौड़ा पोस्ट। मनीषा तिवारी एंड यू वॉचिंग मी ऑन हथौड़ा पोस्ट। टुडे वी आर विद सुरभि तिवारी। हेलो मैम, हाय हाय। वन तिवारी इज मीटिंग अनदर तिवारी। सो फ्रेंड, आपको इनके बारे में पता ही होगा कि इन्होंने पहले बहुत सारे टीवी सीरियलों में काम कर चुकी हैं और अपने एक्टिंग का हुनर भी दिखा चुकी है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि कैसे उनका शुरुआत हुआ एक्टिंग के करियर में। मैम क्या बोलना कैसे स्टार्टिंग हुई एक्टिंग इंडस्ट्री में? मैंने 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं टीवी इंडस्ट्री में, जो मैंने जब शुरू किया था 1993 में। आई थिंक तब मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इतने साल कंप्लीट कर पाऊँगी, बिकॉज मेरा कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। कोई भी दूर दूर तक खानदान में, दोनों तरफ के खानदान में कोई नहीं था एक्टिंग में। और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वन ऑफ द डांस कॉम्पिटिशन में एक प्रोड्यूसर ने मुझे देखा, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। ही सॉ मी एंड ही सेड, नेक्स्ट डे उन्होंने ऑर्गेनाइजर को अप्रोच किया एंड सेड कि वो लड़की कौन थी जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है, हम एक शो बना रहे हैं एंड हम उसे लेना चाहते हैं। तो दे सेड कह रहे वो तो अंडर 18 है, आपको उसके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। तो सर हाँ हाँ कोई नहीं, कॉल द पेरेंट्स, विल टॉक टू द पेरेंट्स। सरप्राइजिंगली मैं बहुत ही कंजर्वेटिव समाज से बिलोंग करती हूँ, विच इज़ कानकुब्ज ब्राह्मण। और 1993 में एक्टिंग तो भूल ही जाओ, हमारे समाज में 25 साल की उम्र में लड़की को पढ़ा वढ़ा के शादी कर देते थे। सो आई थिंक स्टिल इट इज़ लाइक देयर समवेयर। एंड मैं तो स्कूल में थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो लोग पापा से मिले एंड माई डैड वॉज सुपर कूल एंड ही सेड कि या शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, वो सब फर्स्ट प्राइज लेकर आती है, बट आई वी डोंट नो एक्टिंग में कितनी अच्छी होगी। सो माई डैड वॉज लाइक कि हाँ वो शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, बट वी डोंट नो हाउ फार शी कैन परफॉर्म। तो जैसे नहीं नहीं कोई नहीं, हम उसे ट्रेन करेंगे, 2-3 महीना उसकी ट्रेनिंग होगी। और मैं स्कूल में थी उन दिनों, आई वॉज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड। और बस मेरा उन्होंने कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी, एक्टिंग की पढ़ाई साथ साथ चल रही थी स्टिल स्कूल। और मुझे याद है मैं 2 चोटी बनाकर कभी कभी स्कूल यूनिफॉर्म में ही अपने एक्टिंग कोचिंग क्लास के लिए चली जाती थी एंड मेरे पेरेंट्स दोनों में से कोई एक तो हमेशा साथ होते थे। सो दिस इज़ हाउ स्टार्टेड। एंड सरप्राइजिंगली मेरा फर्स्ट शो था टाइटल रोल, जबकि टाइटल रोल बहुत मुश्किल में आपको मिलता है, यू हैव टू बी रियली वेरी लकी टू गेट अ टाइटल रोल। और मेरा पहला ही शो था टाइटल रोल, सो That's how it started. तो बचपन से ही आपको एक्टर बनना था या कुछ और भी सपना था? एक्चुअली मैं आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड जब मैंने श्रीदेवी की फिल्म चांदनी देखी थी। और मैंने जब वो फिल्म देखी तो मैंने कहा बॉस मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ एक्टिंग करनी है। एंड आज भी मैं ये इंडस्ट्री में बोलती हूँ कि आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ, आज मैं श्रीदेवी मैम की वजह से हूँ, वो हमारे बीच नहीं है अभी एंड इट्स रियली वेरी सैड एंड रियली हार्ट ब्रेकिंग। बट मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ कि आज जो भी मेरे पास है या जो भी मैं जहाँ जाती हूँ, जो मुझे नेम फेम मिला है वो उनकी वजह से मिला है। सिर्फ 2 ही बार उनसे मिल पाई, एक ही बार उनको बता पाई ये चीज़, बट मेरा बस चलता है उनको हर दिन ये बोलूँ कि थैंक यू फॉर टुडे, वॉट एवर आई एम, वेयर एवर आई एम इज़ बिकॉज ऑफ यू। कन्फ्यूजन में थी बिकॉज एक्टिंग करनी थी, किसी से शेयर नहीं किया था। मैं साउथ बॉम्बे की लड़की, हम लोग पापा के बिजनेस की वजह से हम लोग भाईंदर मीरा रोड शिफ्ट हो गए थे, वहाँ का सोच और मेरी एक्टिंग की सोच दोनों अपार्ट थे। अंदर ही अंदर यू नो सब कन्फ्यूजन चल रहा था कि एक्टिंग करनी है लेकिन कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें और कब करें। द आइडिया वॉज दैट, तो फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं नहीं एक काम करते हैं ना, TY BCom कर लेते हैं, उसके बाद पेरेंट्स से बात करूँगी कि मुझे एक्टिंग करनी है। बट एटलीस्ट मैं तब तक पढ़ाई कर चुकी हूँ, विच इज़ अ मिनिमम आज की डेट में, BCom करना इज़ लाइक डूइंग SSC यू नो। तो मुझे था कि ये कर लेते, फिर मैं पेरेंट्स से बात करूँगी, लेकिन सोचा नहीं था कि अपने आप ही 2 साल के बाद चीज़ें मेरे दरवाजे पर चल कर आएंगी, ये सोचा नहीं था मैंने।
तो जैसा कि आपने बोला कि आप जिस फैमिली से है, मतलब एक्टिंग से दूर दूर तक नाता नहीं था, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपको एक्टिंग में आने के लिए? एक्चुअली पेरेंट्स तो बहुत ही सपोर्टिव थे, फैमिली बहुत इमीडिएट फैमिली, लाइक माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, बट हाँ मेरी मेरे मामाज एंड मेरे चाचाज, मेरी दादी, उन लोगों को इश्यूज थे, लाइक बट माय मॉम डैड माय ब्रदर सिस्टर दे हैड नो इश्यूज यू नो एट ऑल. वो चैलेंज नहीं था लाइफ में, बट जहाँ से मैं थी मीरा रोड भाइंदर उस टाइम पे 1993 आई एम टॉकिंग अबाउट, ओ माय गॉड, उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा था लिटरली, कि ओ यू वांट टू डू दिस. और मतलब मुझे याद है मेरी एक स्कूल फ्रेंड ने मुझे बोला था और शी सेड कि अरे तुम्हें मॉडल बनना है क्यों, तुम्हें कपड़े पसंद नहीं है क्या? सो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी आई वॉज फाइटिंग यू नो, बट आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे ये मीरा भाइंदर की लड़कियों की तरह एक स्टील कंपनी के बिजनेसमैन से शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ लाइफ में करना है. मैं जानती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ ये इनसे बहुत अलग है, बट मैं मुझे लगता है मैं सही हूँ और मैं करूँगी इसमें. और जब मुझे आज अब्रॉड्स अवार्ड मिलते हैं तो मैं सोचती हूँ थैंक गॉड मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपने आप की सुनी है एंड मैं लगी हुई थी कि बस यही करना है. आई बिलीव्ड इन एंड आई दैट वॉज द पाथ जो मैंने पकड़ के रखा था, आई होल्डेड दैट पाथ एंड आई जस्ट मूव्ड ऑन इन लाइफ. तो आपने बोला जैसे कि अवार्ड्स मिलते, तो फीलिंग्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? लकीली हाँ, आई टेल यू अबाउट, मेरे स्कूल टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, फ्रेंड्स नहीं बट स्कूल टीचर्स मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे. आज भी मैं अपने स्कूल टीचर्स से उतना ही टच में हूँ, शायद मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स से उतना बात नहीं करती बट माई स्कूल टीचर्स आई एम स्टिल इन टच विद देम यू नो, एंड दे वर द थिंग कि सुरभि बहुत सही जा रही हो लाइफ में. आई मीन इमेजिन एक सेवन्थ स्टैंडर्ड की लड़की एंड ड्रीमिंग बिग ऑफ द इंडस्ट्री, समबडी जिसका कोई माई बाप नहीं इस फील्ड में, वो लोग दे वे वेरी कॉन्स्टेंट यू नो कि नहीं नहीं तुम करो, डोंट लिसन टू एनी बडी, जस्ट डू इट. सो समवे ना मुझे वो पढ़ाई कंटिन्यू करना और एक्टिंग कंटिन्यू करना, वो आई गॉट दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम माई टीचर्स. एंड आई स्टिल बिलीव कि अगर आपके पास सही पेरेंट्स और सही टीचर्स अगर छोटे उम्र में आपके पास हो तो आप पहुंच सकते हैं जहाँ आपको पहुंचना हो. तो फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा आपको इस लाइन में लाने के लिए? आई थिंक मेरी मॉम तो बहुत ही टिमिड है, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली एंड शी इज़ वेरी, हर फादर वॉज इन मेयर ऑफ पॉलिटिकल फैमिली, नाना 35 साल कांग्रेस की सीट लेकर आए कंटिन्यूसली, यहाँ तक इंदिरा गांधी मम्मी के घर तक आ चुकी है. तो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टिव फैमिली, वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, और मॉम तो बहुत ही मेरी टिमिड थी यू नो, शी वॉज बट वेरी एक्साइटेड यू नो. बट आई थिंक मेरे डैड का जो पहल था, जो चैचू कुछ नहीं, ही थॉट कि अरे यू नो यू आर गेटिंग दिस ऑफर एंड यू शुड डू इट. मुझे याद है एक बार मुझे लोकल ट्रेन में मुझे ऐसे ही मुझे ना खड़े खड़े लोग एक्टिंग के लिए ऑफर देते थे. आई रिमेंबर मैं और एक लड़की, मैं चर्चगेट से चली थी बिकॉज मेरा कॉलेज वहाँ पे था एंड दिस गर्ल मरीन लाइन समवेयर से वो चढ़ी थी, तो हम दोनों सामने सामने बैठे थे वो, और टिल मीरा रोड वो मुझे घूरे जा रही थी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर. आई सेड क्या प्रॉब्लम है, कुछ लगा है चेहरे पे समथिंग, एंड देन आई थिंक समवेयर इन दहीसर शी सेड के वी आर डूइंग एन एड विद सचिन तेंदुलकर, इमेजिन विद सचिन तेंदुलकर द लेजेंड, और हमें उसके अपोजिट एक लड़की नहीं मिली अभी तक, तो क्या तुम करोगी? तब तक मैं 2 बार ऑलरेडी मिस मुंबई बन चुकी थी, तो आई सेड या आई एम अ मॉडल, आई एक्ट और बट आपको मेरे डैड से बात करना पड़ेगा बिकॉज मेरे डैड जेंट्स कंपार्टमेंट में. तो वो मीरा रोड उतरना था, वो भाइंदर उतरी, शी स्पोक टू माई डैड एंड शी सेड कि वी लाइक्ड हर, हम लोग ने 170 गर्ल्स देखे बट हमें नहीं कोई पसंद आई, तो शी इज़ एप्ट फॉर इट, तो आप इसको कल लेके वानखेड़े स्टेडियम पहुँचेंगे क्या? इमेजिन वानखेड़े में मैंने आज तक एक मैच नहीं देखा है, बट आई वॉज नेक्स्ट डे आई वॉज शूटिंग 2 नाइट्स आई शॉट विद मिस्टर सचिन तेंदुलकर. आई मीन ये इंडस्ट्री मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, बस खींच, मुझे कहीं से भी, मुझे सड़क से लोग उठा के ले जा रहे थे कि एक्टिंग करो, ट्रेन में मेरी कास्टिंग हो रही थी. आई थिंक जो फर्स्ट ऑफर आया था वॉज समवेयर डांस कॉम्पिटिशन में, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं बनी एक्टिंग करने के लिए हूँ. तो टीवी सीरियल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेम आपको कौन से सीरियल से मिला? सी आई टेल शगुन डेफिनेटली 5 साल चला, मंडे टू फ्राइडे था,
इतने नंबर ऑफ आवर्स कहानी घर घर की वॉज डूइंग 15 TRP. हमें याद है हमने मिस्टर बच्चन को मतलब KBC को बीट किया था, क्योंकि को बीट किया था हमने कहानी पे. तो शगुन आफ्टरनून में वॉज डूइंग वेरी गुड, नंबर वन नंबर टू ऐसे चल रहा था. कहानी घर घर की इन द इवनिंग डूइंग नंबर वन नंबर टू, यू नो. सो 93 में तो इंडस्ट्री में आ गई थी, बट आई वॉज डूइंग मोर लीज. उस टाइम पे ना लड़कियों को, यंग लड़कियों को काम नहीं होता था. 24-25 साल की उनको लड़कियां लीड चाहिए होती थी. अब तो 16 साल की 15 साल की लड़की लीड है. ट्रेंड चेंज हो गया. बट हमें तो काम मिल रहा था, बट हमें लीड नहीं मिल रहा था, यू नो. फिर अचानक स्टार प्लस ने डिसाइड किया कि हम यंग जाएंगे. दैट्स व्हेन 19 साल की उम्र में मुझे शगुन मिला. आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन SY BCOM और समथिंग, और एक हाथ में मेरे कॉलेज की पढ़ाई होती थी, एक हाथ में स्क्रिप्ट होता था, यू नो. So that's how it started. But yeah, one show you talk about it, I think aaj bhi log mujhe Shagun girl ya Aradhana hi bulate hain. Itne shows uske baad ke alag alag shows ke liye award mile hain, lekin bulate log aaj bhi Shagun ya Aradhana hi hain. To Shagun ka kuch aisa kuch best moment share karna chahiye. एक्चुअली क्या हो गया, मैंने जब मुझे शगुन मिला तो मैं थोड़ा सा सुपरस्टिशियस हो गई थी. मैंने किसी को बताया नहीं कि दिस इज़ स्टार प्लस का लीड. मैं पहले भी कर रही थी, DD1 पे लीड कर रही थी, कहानी घर घर की मैं कर ही रही थी. लेकिन मैंने पार्वती का रोल किया है मैंने क्रिएटिव आई के शो में, मतलब लीड्स काफ़ी पहले कर चुकी थी. लेकिन आई डोंट नो विथ शगुन मैं बहुत सुपरस्टिशियस हो गई थी और मैंने किसी को नहीं बताया के यू नो इट्स लीड एंड इट्स स्टार प्लस प्राइम टाइम आफ्टरनून, यू नो. और जब शो ऑन एयर हुआ और जैसे जैसे शो को पॉपुलैरिटी, मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी, मेरा लेट माय वर्क स्पीक फॉर मी. आई रादर कीप क्वाइट एंड यू नो आई जस्ट डू माय वर्क एंड मेरे काम को बोलने दीजिए. सो जब वो पॉपुलैरिटी, इतना शो पॉपुलर हो गया एंड द लव आई गॉट ना, दैट इज़ अनबिलीवेबल. तो आपने बहुत सारे शो में भी काम किया, तो कोई ऐसा कोस्टार जिसके साथ आप बहुत ही कंफर्टेबल हो या उनके साथ मतलब एक्टिंग करने का ये कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत सारे हैं, टचवुड ज़्यादातर अच्छे ही लोग मिले हैं इंडस्ट्री में आज भी. लेकिन आई स्टिल रिमेंबर सुरेंद्र पाल, सुनैना फौजदार, ममता वर्मा, सूरज थापड़, किंगशुक वैद्य. आई रिमेंबर वो लड़का इतना सा था मेरे सामने और आज मेरे बेटे का रोल करता है, यू नो. सो द लिस्ट इज़ यू कान लिस्ट इज़ गोइंग ऑन. रूबल पटेल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत जितेंद्र लालवानी हैं, जया भट्टाचार्य है, बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आई लव टू वर्क विद देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ओके, इंडस्ट्री में आप सब अपना आइडियल किसको मानती हैं? श्रीदेवी मैम. ना उनके आगे ना उनके पीछे. आई थिंक मैं जितना भी उनके बारे में सुनती थी, मैं यही सुनती थी कि वो रिहर्सल्स अपनी, वो पहले तो टाइम पर आती हैं एंड वो अपने रिहर्सल्स कई बार करती है, बट वन टेक एक्टर हैं. तो मैंने ज़िंदगी में हमेशा कहा था कि मुझे ना वन टेक एक्टर बनना है. तो जब भी मुझे 12 पेज का ऐसा सीन मिलता था ना, तो मैं यही बोलती थी कि बस मुझे ना इसको वन टेक करना है, यू नो, ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स का भी टाइम बचे. बिकॉज सी, एक प्रोड्यूसर की बड़ी लागत लगती है, एक दिन के शूट पे लाखों रुपए लगते हैं. यू कैन मेस विद दैट मनी, यू नो. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी लाइक हर कि मुझे वन टेक एक्टर बनना है. ओके, तो लास्टली मैं पूछना चाहूँगी कि अभी आपका करेंट और मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, क्या कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? मैं एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेक पर थी और लास्ट मैंने किया था अग्नि फेरे NTV पे. अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी ऑफर चला गया. वी वेर नॉट एक्सपेक्टिंग, हमें लगा था IPL तक है यहाँ पर, बट ठीक है, दिस इज़ हाउ द TV इंडस्ट्री वर्क्स. एंड अभी ब्रेक पे हूँ, बट नाउ यस टॉक्स आर अगेन ऑन फॉर द न्यू शो. बट आई नीडेड दिस ब्रेक, यू नो. थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए. तो ये थी हमारे साथ सुरभि तिवारी. ऐसे ही अपने फेवरेट स्टार के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हथौड़ा पोस्ट, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.